जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। दोस्तों एन सी स्टडी आई क्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 15 अप्रैल और दोस्तों जो हमारी सिनोनिम्स की सीरीज चल रही है उसका ये आज पार्ट 20 है आपका। दोस्तों मैं पार्ट 19 आपको करा चुका हूँ, दोस्तों आप उन वीडियोस को भी जाके देखिएगा। सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सिनोनिम्स के, जिसमें मैं आपको डेली 10 सिनोनिम्स कराता हूँ। 10 इसलिए कराता हूँ दोस्तों जिससे धीरे 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 हमारे स्टेप बाय स्टेप सारे सिनोनिम्स याद हो जाएँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपका नए टॉपिक स्टार्ट करूँगा, उसकी भी पूरी सीरीज में लेके आऊँगा मैं वीडियो आपको। दोस्तों प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है यूट्यूब पर, जाके आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट खोलिए वोकेबलरी वाली, उसमें आपको सारे सिनोनिम्स के पार्ट मिल जाएंगे। दोस्तों सभी पार्टों को आप देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है अबेस। अबेस का क्या अर्थ होता है? देखो दोस्तों बेस, अब एस यानी कि किसी चीज़ को अबेस करना यानी कि नीचे दिखाना, यानी कि डिग्रेड करना, उसको ह्यूमिलेट करना, परेशान करना भी हो सकता है, यानी कि उसे क्या करना, नीचा दिखाना। बिहेविंग इन अ वे दैट बी लिटिल्स और डिग्रेड, उसे बहुत छोटा करके छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, क्या करना, डिग्रेड करना, क्या कहलाता है दोस्तों, अबेस कहलाता है, यानी कि उसे नीचा दिखाना, अबेस, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अबेट, देखो पहला वाला था अबेस, ये वाला है अबेट। अबेट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अले या डिक्रीज या फिर डिमिनिश, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, कम हो जाना किसी चीज़ में भी, यानी कि फीलिंग्स में कम हो जाना, पावर में कम हो जाना, किसी भी चीज़ में क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना, कम होना जाना, टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, पावर में कम हो जाना, तो क्या कहलाता है, अबेट कहलाता है। किसी भी चीज़ में कम हो जाना यानी कि पावर में, माइंड में, किसी भी चीज़ में कम हो जाना क्या कहलाता है, अबेट कहलाता है। ओले, डिक्रीज, डिमिनिश, इसके सारे सिनोनिम्स है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। बाइजेंटाइन, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाइजेंटाइन, इसका अर्थ क्या होता है? एब्स्ट्रस या फिर आर्डियस, यानी कि किसी भी चीज़ को क्या कर देना, कॉम्प्लिकेटेड बना देना, यानी वो चीज़ को क्या होना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना, बहुत ज़्यादा जटिल होना, कठिन होना, क्या कहलाता है, बाइजेंटाइन या फिर जो इसका सिनोनिम्स है, एब्स्ट्रस या फिर आर्डियस। अगला क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, इसका जो आरडीएस वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, ARDUOUS, याद रखिएगा, आरडीएस यानी कि कॉम्प्लिकेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, वर्जन, BURGEON, वर्जन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? फ्लोरिस, यानी कि टू बींग ग्रो अप डेवलप, यानी कि किसी चीज़ का बहुत जल्दी ग्रो होना, यानी कि बहुत जल्दी क्या ना, तेज़ी से बढ़ना, क्या कहलाता है, वर्जन कहलाता है। अधिकतर ये पेड़ों के लिए यूज़ होता है, यानी कि जो छोटे पौधे होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, वो बहुत जल्दी क्या करते हैं, वर्जन करते हैं, यानी कि ग्रो अप करते हैं रैपिडली, बहुत फास्टली क्या करते हैं, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, याद रखिएगा, फ्लोरिश, वर्जन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ब्रश, BRASH, ब्रश का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ब्रेजन, इम्पेट्यूस या फिर सेल्फ असर्टिव, यानी कि अपने ऊपर क्या करना, कॉन्फिडेंट होना, और क्या ना, अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना, हटी होना एकदम से, और दोस्तों सेल्फ असर्टिव होना, यानी कि अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंट होना, विश्वास होना, क्या कहलाता है, ब्रश, यानी कि कॉन्फिडेंट इन एग्रेसिव, मतलब पूरा उसको पूरा विश्वास है कि वो उस कार्य को कर लेगा, और पूरा विश्वास है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्यूर सॉरी, CURSORY, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? हेस्टी या फिर रैंडम, किसी भी चीज़ को बहुत स्पीडली करना, बहुत जल्दी करना, मतलब बहुत तेज़ी से करना, क्या कहलाता है, क्यूर सॉरी। क्विक एंड शॉर्ट, डन इन हरी, यानी कि किसी भी कार्य को बहुत तेज़ी से करना, बहुत जल्दी करना, क्या कहलाता है, क्यूर सॉरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसकी सिनोनिम्स, रैंडम और हेस्टी। अगला क्वेश्चन है आपका क्रेडुलस, CREDULOUS, क्रेडुलस का अर्थ होता है दोस्तों? ट्रस्टफुल, यानी कि जिस पे क्या कर सके, विश्वास कर सके। बिलीविंग, अनसस्पेक्टिंग, यानी कि मुझे विश्वास नहीं था ये ऐसा निकलेगा और ऐसा निकलेगा, यानी कि विश्वास की भी चीज़। हैविंग और शोइंग टू ग्रेट अ रेडीनेस टू बिलीविंग थिंग्स, यानी कि उस पर क्या कराया जा सके, विश्वास कराया जा सके, उसको मतलब माना जा सके उसकी बात को, क्या कहलाता है, क्रेडुलस। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, DYSPEPT, डिस्पेक्टिक, यानी कि मॉर्स या फिर ग्रोची, यानी आई हैव इनडाइजेशन और कंसिक्वेंट और इरिटेबल बैड टेम्पर, यानी कि दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान होना किस चीज़ से, जैसे कि दोस्तों इसका डाइजेशन नहीं होता, जैसे पेट खराब हो जाता है, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बैड टेम्पर, अलग अलग तरीके से फील होता है, तो उसका क्या होता है, ग्रोची, यानी कि डिस्पेक्टिक, यानी कि डिस्पेक्टिक से डाइजेशन से वर्ड निकला है, जिससे क्या डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, क्या कहलाता है, डिस्पेक्टिक, यानी कि मॉर्स, याद रखिएगा सिनोनिम्स इसके। अगला क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, ड्यूरेस, DURESS, यानी कि बॉन्डेज
या फिर कंपल्सन, द यूज ऑफ फोर्स, किसी फोर्स लगा के क्या कर देना, उस पर बॉन्डेज लगा देना, बैंड बॉन्ड लगा देना, या फिर किसी चीज पे ज्यादा अट्रैक्शन अट्रैक्शन सॉरी फोर्स डालना क्या कहलाता है, ड्यूरेस कहलाता है। यानी कि ड्यूरेस मतलब उसको क्या करना, बहुत ज्यादा फोर्स करना, किसी चीज से दबाना, क्या कहलाता है, ड्यूरेस। ठीक है दोस्तों, परेशान करना भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ड्यूबीएस, डी यू बी आई ओ यू एस, ड्यूबीएस क्या होता है, एम्बिगियस या फिर डिबेटेबल, यानी कि कॉजिंग डाउट, यानी कि किसी भी चीज़ में क्या होना, क्लियरिटी ना होना, मतलब कि दोस्तों वहम होना किसी भी चीज़ में, ड्यूबिगियस का क्या होता है, एम्बिगियस, किसी चीज़ में क्लियरिटी ना होना, नॉट क्लियर, यानी कि उसमें क्या है, क्लियरिटी ना होना, एम्बिगियस वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्पेलिंग भी याद रखिएगा, ए एम बी आई जी यू ओ यू एस, एम्बिगियस या फिर ड्यूबियस, ड्यूबियस दोस्तों क्या है, दोनों का अर्थ क्या है, किसी भी चीज़ में क्लियर ना होना, उसमें क्या होना, हमेशा क्या होना, डाउट होना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सिनोनिम्स के सीरीज में पार्ट 20 के सारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करके देखिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।